अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये कुकिंग कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि मैं दिखाऊं तो सही सबको कि तुम किस तरह से कुकिंग कर रही होती हो या किस तरह से वीडियो शूट कर रही होती हो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ पर बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ क्लिप ये शेयर करूँ। और अब मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट होता है। ये मॉर्निंग का टाइम है, 6:30-7 बजे का, और यहाँ पे विंडो से थोड़ी सी धूप आनी शुरू हो गई है अंदर। ये थोड़ी देर के लिए हमारे घर की तरफ धूप का डायरेक्शन रहती है, 1-1.5 घंटे तक रहती है, उसके बाद फिर घर की तरफ धूप नहीं आती। और जैसे ही मैं उठ कर आई हूँ बाहर, तो मेरे ये सारे बच्चे भी उठ गए हैं। ये हम लोगों के उठने से पहले जाग रहे होते हैं कि बस इनको होता है जल्दी जल्दी उठें और हमें खाना मिल जाए। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ गैरेज में और बच्चों को भी ले आई हूँ। अर्ली मॉर्निंग ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल आए तो माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है ना। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। और ये मैं देख रही थी, ये मेरा जो एक प्लांट है उसका ये गमला टूट गया है, तो ये बार बार पानी जब इसको लगाते हैं ना तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। वो टूट गया है और उसकी रूट साइड पे मुझे नज़र आ रही हैं, तो फिर मैं अब आज जाऊंगी और उसके लिए नया प्लांट ले आऊंगी, सॉरी एक नया गमला ले आऊंगी उसके लिए मैं। और अब सारे बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूंगी, इनको भी साथ लेकर बैठूंगी, फिर अंदर जाते हैं और अपनी बाकी की रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन आपकी डिटेल में शेयर कर रही हूँ कि सारा दिन मैं यूजली क्या क्या कुछ करती हूँ और हमारा डे कैसे स्पेंड होता है। सब बच्चे एक्टिव हो गए हैं बाहर आकर, अब बस फिर मैं अंदर जाऊँगी, इनको कुछ खाने के लिए दूँगी। अंदर आने का दिल नहीं था इन सब का, लेकिन बस ज़बरदस्ती ले आई हूँ मैं अंदर, इनका बस चले ये सारा दिन बाहर रहें। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आटा गूंदने लगी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो मैं यूजली रात को ही आटा गूंद के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आटा गूंदना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज रात को बस दिल नहीं किया करने का, बनाने का, सॉरी आटा गूंदने का दिल नहीं किया मेरा, तो इसीलिए मैं फिर अब सुबह को ही मैं गूंद के थोड़ी देर के लिए रख लूँगी इसको और फिर बाद में ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और आटा गूंदते ही फ़ौरन से आटे के बर्तन भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि बाद में फिर इसके ऊपर जो आटा जम जाता है, ड्राई हो जाता है, वो उतारना बहुत मुश्किल होता है। अब ये गूंदे हुए आटे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी, अपना फ़ुज़ैल का और उमेर का। और साथ में अब मैं, अभी तक मैंने सुबह से उठ के कुछ नहीं खाया पिया, तो मैं सबसे पहले अब मैं पानी पी लूँगी। और अर्ली मॉर्निंग पानी पीना एम्प्टी स्टमक, ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर पॉसिबल हो तो आप वार्म करके वार्म वाटर पी लें, लेकिन मुझसे वार्म वाटर नहीं सुबह सुबह पिया जाता, तो मैंने तो फ्रिज का नॉर्मल पानी पी लिया, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैं पराठे बना लूँगी। हम लोगों ने पराठे खाने बिल्कुल छोड़ दिए थे, लेकिन अब ये 2-3 दिन से फिर से क्रेज़ हो गया है, सबका दिल करने लग गया, तो इसलिए आजकल मैं ब्रेकफास्ट में पराठे ही बना रही हूँ। और इनके साथ मैं फिर ऑमलेट बना लूँगी और फ़ुज़ैल के लिए फ्राई एग बनाऊँगी, और थोड़ा सा रात का सालन भी पड़ा हुआ है तो उसके साथ फिर अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट पराठा मैं बनाने लगी हूँ, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ अजवाइन वाला पराठा, मेरा मोस्ट फेवरेट पराठा है अजवाइन वाला,
तो मैंने अपने लिए वो बनाया है। और यहाँ पर फुजैल के लिए अब मैं फ्राई एग बनाने लगी हूँ, और फिर अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे अपना। और यहाँ पर अब ये दोपहर का टाइम है और जिगी को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पाउडर लगाकर ब्रशिंग की है उसको। ये पाउडर जो है ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये कैट्स का है ड्राई शैम्पू, लेकिन ये आपको इंस्टेंट जो है ना कर देता है, मतलब कि कैट को बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद क्योंकि इससे कैट्स का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है और बाल हार्ड होते हैं। तो फिर आज जिगी मामा के घर जा रहा था, उसको मैं मामा के घर ले गई। तो मामा के घर से फ्री होके यहाँ पर ये अब असर का टाइम है ऑलमोस्ट, तो मैं और फुजैल हम लोग फिर नर्सरी आ गए। मैंने आपको बताया था मेरा गमला टूट गया है, तो मैंने वो लेना है। और नर्सरी में भी आपने जो मैंने स्टार्टिंग में वो सी वाला आपको प्लांट दिखाया है, वो आपने देखा है प्लांट्स इतने महंगे हो चुके हैं। वो प्लांट जो है वो आई थिंक 8,000 या 9,000 का वो था, और आजकल सीज़न भी आ गया ना प्लांट्स का, तो प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि अब जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी इस सीज़न में। और बहुत बहुत खिले हुए और इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे। मैंने कुछ प्लांट्स परचेज किए हैं अपने घर के बाहर, जो छोटी छोटा सा लॉन है मेरे घर के बाहर, तो वहाँ पर लगाने के लिए मैंने लिए हैं। यहाँ से कुछ प्लांट्स मैंने उस वहाँ के लिए लिए हैं, एक मैंने कलियों का पौधा भी लिए, तो फिर मैं आपको वो घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पे नर्सरी में बहुत ज़बरदस्त थे, मैं इसको काफ़ी सारे मैंने देख लिए हैं, तो मैं अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में शायद मैं जाऊँ दोबारा और भी प्लांट्स परचेज करूँगी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ये सारे ले जाऊँ अपने घर को पूरा भर दूँ, मुझे ग्रीनरी इतनी पसंद है, क्रेजी हूँ मैं ग्रीनरी के लिए। और साथ में मेरे साथ जिगी भी आया हुआ है, और जिगी बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पे ना इस जगह पे। ये देखें अब ये प्लांट्स को पानी लगा रहे हैं, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो गमले मिट्टी के होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो एक एक पौधे को तो पानी दे नहीं सकते, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं इधर। अच्छा यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा लास्ट में, एक बहुत बड़े पत्तों वाला ना ट्री की तरह का प्लांट था एक, तो वो जो था ना वो इतना मुझे अच्छा लगा बाहर लगाने के लिए, घर के बाहर लगाने के लिए। अभी मैं आपको वो दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला, ये इतना प्यारा, इतने बड़े बड़े पत्ते थे, ये ऐसी मतलब ये एक लुक के लिए होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, ये जस्ट 500 रुपीज़ का था। तो मैं ये इंशाल्लाह ज़रूर लाऊँगी और अपने घर के बाहर लगवाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी मैं। जिगी को देखें, जिगी आज फर्स्ट टाइम इस तरह से निकला है मेरे साथ और बहुत इंजॉय कर रहा था, उसका दिल नहीं था कि मैं उसको लेके घर लेके जाऊं। कुछ बस मैंने आज लिए, एक मैंने खाली गमला भी लिया है, बाकी भी फिर मैं कुछ दिन में और भी प्लांट्स लेकर जाऊंगी। इधर जिगी को मैंने नीचे छोड़ा है और मैं जैसे जैसे उसके पास जा रही हूँ वो आगे आगे जा रहा है, भागता है कि मुझे नहीं पकड़ो मैंने नहीं जाना। वैसे कैट्स को ना ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगती है, कैट्स बहुत खुश होती हैं प्लांट्स से। अब हम लोग घर जा रहे हैं, अब मैं यहाँ घर आ गई हूँ, तो चाय वगैरह शाम की पी ली है। ये यहाँ पर मैं कैप्सिकम, 2 कैरेट्स और एक ये जो है कैबेज, इसको मैं अभी चॉप कर लूँगी। आज डिनर में मैं पास्ता बनाने लगी हूँ, चिकन मैक्रोनी पास्ता, तो उसके लिए मैंने सारी अपनी वेजीज जो हैं उनको मैंने चॉप कर लिया, और मैंने ऑयल में एक मैंने छोटा सा अनियन डाला है चॉप करके, और उसमें मैंने जो चिकन बोनलेस चिकन था उसके भी क्यूब्स में मैंने उसको काटा हुआ था छोटे छोटे क्यूब्स में, वो डाल दिया। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई किया 1-2 मिनट, और फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और वो डाल के फिर उसको मैंने ज़रा सा फ्राई कर लिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें जो कैरेट्स अपनी 2 चॉप की हुई थी मैंने वो डाल दी, क्योंकि कैरेट्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं और इनको पकने में और सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने पहले कैरेट्स डाल दी। और यहाँ पर मैंने 2 टमेटोज लिए थे उनको मैंने ब्लेंड किया और वो भी डाल दिया। इसको टमेटोज़ को अच्छी तरह पकाना होता है, भूनना होता है, ताकि इसकी कच्ची स्मेल ना आए,
और अब मैं सीजनिंग्स डाल रही हूँ। मैंने नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काले मिर्च, ये मैंने तीनों 1-1 टीस्पून डाल दिए। और इसमें मैं अब डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर का मैंने डाला है। दूसरी तरफ मेरा पानी भी बॉईल हो चुका था, मैंने उसमें मैक्रोनी डाल दी और बॉईल होने के लिए रख दी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर और 1/2 से थोड़ा सा कम मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और ये ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से चिकन को मैंने भून लिया था और अब मैंने इसमें चॉप्ड अपनी कैप्सिकम डाल दी है और साथ में मैं इसमें जो मैंने कैबेज जो है वो कट करके रखी थी वो भी मैं डाल दूंगी। तो इस टाइम पे इसकी फ्लेम बहुत स्लो नहीं करनी, बस ये साथ साथ स्टर होती रहेंगी वेजीज चिकन के साथ। और इसमें मैं सॉसेस डालती जाऊंगी, ये मैंने डाल दी वॉस्टरशायर सॉस और अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। पहले वॉस्टरशायर डाली थी और अब सोया सॉस डाली और अब मैं थोड़ी सी इसमें HP सॉस डाल रही हूँ। और HP सॉस के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया और यहाँ पे ये मैंने डाली है 2 टेबलस्पून भर के मैंने बारबेक्यू सॉस और केचप अब डाल रही हूँ। केचप मैं अच्छी खासी डालूँगी, मुझे पास्ता में केचप बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें वो भी डलती है, चिली सॉस भी डलती है, लेकिन मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी डाल दी और इसमें मैंने मायोनीज डाल दी है। ये डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और वेजीज मेरी बस इतनी जितनी देर में सॉसेस डालनी है ना सिर्फ उतनी देर ही इसको कैप्सिकम को और कैबेज को पकाना है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितने मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, वो इसलिए डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉस वाला पास्ता अच्छा लगता है। इसमें मैंने ये पानी मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया, शो थोड़ा सा हुआ है क्योंकि ज़्यादा वो मैं शूट नहीं कर पाई। वो मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला, मैंने 1 टीस्पून चीनी का डाला और मैंने इसमें ऑलिव्स डाल दिए और फिर मैंने अपना जो बॉइल्ड पास्ता था वो मैंने अब डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और मेरा पास्ता बहुत यमी और टेस्टी सा मेरा पास्ता रेडी हो गया, चिकन मैक्रोनी पास्ता। तो इसको अब हम लोग खा लेंगे और खाने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी और अपना जो प्लांट जो है वो चेंज करना था ना, उसका गमला चेंज करना था तो वो मैं कर लूँगी। हम खाना खा के अब हम बाहर आ गए हैं और फुज़ैल जो हैं यहाँ पर गमला चेंज करने लगे हैं। पहले वाले को तोड़ेंगे और इसमें डाल देंगे, लेकिन ना मैं उसी साइज़ का ले आई थी लेकिन ये इसमें इतना फिट नहीं आ रहा था, बस बड़ी मुश्किल से किया। अब इसके लिए मुझे बड़े वाला गमला लाना पड़ेगा, वैसे भी ये प्लांट काफ़ी अब बड़ा हो चुका है, इसके लिए मैं बड़ा लेकर आऊँगी। डिनर में आज हमने बस पास्ता ही खाया था, पास्ता के बाद शेक पिया था, बनाना शेक। वो बस उसकी वीडियो भी मैंने शूट नहीं की लेकिन हमने वो पिया था बाद में। अच्छा, मेरे यहाँ प्लांट की फिलिंग हो गई है, इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे और ये डन हो गया। अच्छा, ये मफिन और बच्चे फिर बाहर आ गए हैं, इनको बस मौका चाहिए होता है बाहर निकलने का, गैरेज में आने का, क्योंकि मैं इनको नहीं निकालती। सारा दिन मेरे ना टीवी लाउंज का जो दरवाज़ा है वो बंद रहता है, मैं इनको बाहर नहीं आने देती क्योंकि कैट्स जो हैं इनको इनका पता नहीं चलता, ये छतों से बाहर भी जा सकती हैं, कहीं गुम भी हो सकती हैं। ऐसे मेरी ये कैट गुम हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं इनको नहीं बाहर निकालती। अब मैं बाहर आ गई हूँ घर के और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बाहर के लिए कौन से प्लांट्स लाई थी। वो हमने गार्डनर को बुलवा के लगवा लिए थे, 3 प्लांट्स मैंने बाहर के लिए लिए हैं। और यहाँ पे आज यहाँ पे सारी ग्रास भी न्यू लगवाई है। मेरा जो बेबी मेरा कैट ईवा जब हुआ था, ईवा फोर्थ हुआ था, उसकी डेथ हुई थी तो उसको हमने अपने इस लॉन में ही दफनाया था। इस वजह से इसकी सारी जो ग्रास है ना वो इसकी उतर चुकी थी, सब डिस्टर्ब हो गया था ये लॉन, तो इसके ऊपर अब आज दोबारा से ग्रास लगवाई है और ये तीनों प्लांट्स लगवाए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और स्कूबी को देखें। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।